ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യ. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. Hello. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. So, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपने एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा जो कि पॉन साइट्स को लेके एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, और इससे पहले भी इसके ऊपर काफी टाइम से जो बातचीत है वो हो रही है. तो आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों, जो टॉपिक एक्चुअली वो ये नहीं है, मुद्दा अपना ये नहीं कि पॉन साइट्स बैंड हो गई है या नहीं हो गई है, कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही है. इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं. जैसे कि कई सारे पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं, पॉलिटी के की इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इसको बैन करने की बात करी गई, या फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि कुछ आर्टिकल्स के तहत इसको बैन नहीं भी करना चाहिए. ओके, तो कुल मिला के अपना ये जो टॉपिक है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कंट्री के अंदर चल रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए. डजंट मैटर कि वो टॉपिक क्या है, देखिए आपके इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए बहुत जरूरी है, साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी सारी चीजें क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कवर होते रहते हैं ना, तो स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर. तो इनडायरेक्टली डेफिनेटली कवर होते हैं, डायरेक्टली तो नहीं होते. और सबसे पहले देखिए जो ये पोर्नोग्राफी है, पॉर्न है, इसके बारे में मैं कुछ हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में रिसेंटली क्या हुआ है, कौन कितनी साइट्स को बैन किया गया है, क्यों किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और क्यों ऐसा किया गया है ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. एक्चुअली मैं अगर आप मुझे ऐसा है देखिए, अगर आप गूगल करेंगे ना तो बहुत जगह पे तो इसके प्रोज मिलेंगे आपको, बहुत जगह पे इसके कॉन्स मिलेंगे आपको. बहुत सारे स्टडीज ने ऐसा भी बोला है कि इसके बैन होने से जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाएगा. अगर क्राइम रेट बढ़ेगा तो फिर इंडिया में यूएस में इसको बैन क्यों किया गया है, सिंपल सा लॉजिक है. तो इसके पीछे भी कौन सा लॉजिक है, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में भी अपन पूरी बातचीत करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर इसको शेयर कर दो वीडियो को, कि जो सभी बच्चे ताकि जुड़ सके, जान सके और समझ सके कि इसको बैन क्यों किया गया है, रीजन क्या है उसके पीछे, और क्या एक्चुअली में रियल बात क्या है. देखिए मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये बोलते होंगे कि इसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, और कई लोग ऐसे भी बोलते होंगे कि इसका क्राइम से बिल्कुल बहुत ज्यादा लेना देना है. तो ये सारे के सारे जो एयर है उसको अपन क्लियर करेंगे, दोनों फैक्टर जो है वो अपन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में आपको काफी चीजें जो कि क्लियर हो जाएगी, है ना. तो सबसे पहले इसको जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप के अंदर सब जगह पर शेयर कर दो, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले मैं हमेशा की तरह हर वीडियो की आपको बताया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा, आपको मैं बताता हूं कि पॉर्न जो ये पोर्नोग्राफी है इसका मतलब होता क्या है, इंडिया की बात करें तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ. तो जैसा कि सामने आपके लिखा है कि जो पोर्नोग्राफी है ये एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड है जिसका ओरिजिनली मतलब होता था कि राइटिंग अबाउट प्रोस्टिट्यूट्स, यानी कि जो ग्रीस या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो प्रोस्टिट्यूट होती थी उनके बारे में लिखने को पोर्नोग्राफी कहा जाता था. ओवर द टाइम जो आर्ट है, लिटरेचर है, लिटरेचर से चीजें ओरिजिन होते होते इमेजेस पे पहुंच गई, इमेजेस से पहुंचते पहुंचते वीडियोस पे पहुंच गई. ओके, और आज जो पोर्नोग्राफी का मतलब है वो वीडियोस के तौर पे, ऑडियो के तौर पे, इन सब कंटेंट जो डिफरेंट डिफरेंट है इसके तौर पे देखा जाता है. इंडिया की बात करें दोस्तों तो इसके जो ओरिजिन है, इरोटिज्म जिसको अपन कहते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो बहुत ही पहले के टाइम पे स्टडीड हो चुका है. कामसूत्रा जिसको आज अपन कहते हैं, तो कामसूत्रा एक्चुअली में जो सेकंड से सिक्स्थ सेंचुरी, आज से नियर बाय 1500-2000 साल पहले लिखी गई एक किताब थी, जो किसके द्वारा, वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था. ओके, इसके अंदर ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर पूरी प्रॉपर तरीके से मेंशन करी गई. पूरी दुनिया भर के अंदर एडल्ट एजुकेशन की जब बात होती है तो सबसे पहले जो एग्जांपल दिया जाता है वो कामसूत्रा का ही दिया जाता है.
सबसे पहले एडल्ट एजुकेशन का। अपने देश में प्रॉब्लम यह है कि इस टॉपिक का नाम लेते ही लोगों को बड़ा ही अनइजी फील करते हैं, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में अगर आप जाओगे तो छोटे छोटे जो बच्चे उनको बहुत अच्छी तरीके से एडल्ट एजुकेशन दी जाती है। उससे फायदा क्या होता है, उससे अर्ली एज में अगर आप किसी को एडल्ट एजुकेशन दे रहे हो तो उससे फायदा ये होता है कि इन फ्यूचर के अंदर जो डिजीजेज है, ओके, जैसे कि HIV और भी बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, उससे बचते हैं बहुत सारे लोग। इसके अलावा जो ये गलत तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होता है पोर्नोग्राफी या फिर बहुत जगह पे, उन सबसे वो लोग बचते हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर आप आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हो इसका मतलब है आपको ज्योग्राफी के बारे में काफी कुछ पता है और आपको कोई झूठ नहीं बोल सकता अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है। तो वैसे ही जो एडल्ट एजुकेशन है इसको भी प्रमोट करने का रीजन यही है कि अगर आप किसी को एडल्ट एजुकेशन अर्ली एज में बता दिया जाएगा तो इन फ्यूचर उसको जब कुछ गलत चीजें बताई जाती है, समझाई जाती है, तो वो वहां से गलत चीजें नहीं सीखेगा। पहली बात, इंडिया के अंदर काफी बार बात करी गई एडल्ट एजुकेशन की, आप सभी लोग स्कूलिंग से पास आउट है, आपको पता होगा जब हमारे हिस्ट्री के चैप्टर आया करता था कामसूत्रा नाम से, था वो जो मैम है वो पेज को जल्दी से आगे करा दिया करती थी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करने के बजाय वो सब उसको आगे कर देते थे और जितना हो सके अवॉइड ही किया करते, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, सबके अंदर यही होता था। ओके, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, कामसूत्रा के बाद में यूरो है, उसके बाद में हजार साल बाद में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने जो यूरोपियन जो वेस्टर्न कल्चर है और जो अपना यहाँ पे ईस्टर्न कल्चर है इंडियन है, दोनों को मिक्स करके इंडस्ट्री, इसको एक तरीके से इंडस्ट्री के तौर पे देखा जाने लगा, और उसके बाद में कई सारे तौर पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, कई सारे मटीरियल्स के तौर पे, लिटरेचर, वीडियो गेम्स, ओके, मूवीज, बहुत जगह से। ऐसे वक्त आगे बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, $57 बिलियन पर ईयर ये इंडस्ट्री ग्रो करती गई आज दुनिया में। अगर आप सारे स्पोर्ट्स का रेवेन्यू एक तरफ कर लो, जैसे कि फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, इन सबको एक तरफ कर लो और अगर आप इस इंडस्ट्री को एक तरफ कर लो तो जाके बराबर बिजनेस है जो कि डेवलप होता है। अब आप समझ सकते हैं जब इतना बड़ा बिजनेस मॉड्यूल अगर एक तरफ पे खड़ा हो रहा है तो कितना मुश्किल होता है इस चीज को रोकना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को यहाँ पे पता है कमेंट कर रहे हैं कि है ना सर ये बैन हुआ है, यहाँ पे मिल रहा है, दिख रहा है। देखिए बहुत कॉमन बात है, अगर आप बात करें एक ओशन में से, अगर आप एक बकेट को निकाल के ये समझते हैं कि ओशन का पानी खत्म हो चुका है तो ये बहुत ही झूठ बात है। वैसा ही जो अगर मैं बात करूं थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, अगर उसके अंदर से अगर आप कुछ 827 वेबसाइट्स को, साइट्स को, अगर आप उनके URL को बेसिकली बात करूं, अगर मैं उनके URL को अगर आप बैन कर दोगे तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थाउजेंड्स में से कुछ एक थोड़ी सी, मतलब ये पिनेट्स है, एक तरीके के पिनेट्स वाली वेबसाइट है, बहुत सारी में से थोड़ा सा अगर आपने वेबसाइट के URL को बैन कर दिया तो उसे कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक्चुअली मैं आपसे बात ये करना चाहता हूं कि ये मुद्दा उछला क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या है इसको बैन करने के, ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल्स है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब दूसरी बात देखिए यहां पे दोस्तों, ठीक है, अब ये जो केस है ये स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट होता है कमलेश जी से। 2013 में कमलेश जी ने क्या हुआ, जब उनको पता, निर्भया कांड हुआ 2012 के अंदर, उसके बाद में 2013 के अंदर निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में और भी कई सारे, वो लॉयर एक्चुअली जो ये कमलेश जी इंदौर हाईकोर्ट के अंदर लॉयर है, और उनके पास में कई सारे ऐसे केसेस आते थे जो कि पॉर्न वीडियोस देखने के बाद में लोगों ने क्राइम करे हैं, तो इससे इन सबसे परेशान होकर उन्होंने क्या किया, एक पेटिशन दायर करी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक पेटिशन दायर करी और उन्होंने बोला जितने भी एक्सेस है पॉर्न की, पॉर्न वीडियोस के, उन सबको क्या किया जाए, बैन किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास में बात पहुंची और उन्होंने क्या किया, 857 वेबसाइट्स के जो URL है उनको बैन करने के लिए कहा, ठीक है। गवर्नमेंट ने यह बात बोली कि अगर कोई रूम के अंदर क्या कर रहा है अपने पर्सनली उसको हम रोक नहीं सकते, भैया आर्टिकल 377 जो गे मैरिजेस की बात हुई थी वो यही तो थी कि अगर दो लोग अपने रूम के अंदर क्या कर रहे हैं उसको हम रोक नहीं सकते, ये उनका क्या होगा, राइट टू प्राइवेसी को डिस्टॉर्ट करना होगा। वैसे ही अगर कोई 18 साल से ज्यादा है और अगर अपने रूम के अंदर पॉर्न वीडियोस देख रहा है तो हम उसके रूम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी वेबसाइट्स को, यानी कि सारी की सारी को बैन करने से मना कर दिया, लेकिन उन सबको बैन कर दिया जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर जो बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रही है उन सबको बैन करने के लिए बोल दिया। 2015 के अंदर भारतीय सरकार ने क्या किया, 857 पॉर्न साइट्स को बैन कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नोटिस दे दिया सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो 857 के जो URL है इनको बैन कर दे अंडर द सेक्शन
793B ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, कौन सा सेक्शन इसके अंदर यूज किया गया? 793B के तहत जो आईटी का एक्ट है 2000, उसके तहत क्या कर दिया गया, इन सारी जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है इन सबको बैन कर दिया गया। ओके, उसके बाद बात करते हैं किस बिहाफ के ऊपर इसको मना किया गया। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये भी लिखा हुआ है, द कंटेंट ऑफ दीज वेबसाइट्स रिलेटेड टू मोरालिटी डिसेंसी एज गिवन इन आर्टिकल 19(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 19 के अंदर क्या बात करी गई, फ्रीडम की बात करी गई है। ओके, तो यानी कि कोई भी आप ऐसे न्यूडिटी या फिर कोई भी आप ऐसी जो चीजें हैं उसको आप क्या नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। तो मॉरेलिटी के बिहाफ पे भी आर्टिकल 19(2) के तहत इसको बैन किया गया, साथ में सेक्शन 793 जो बी है जो आईटी एक्ट का है उसके तहत इन दोनों को बैन किया गया। पहली बात तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत इसको बैन किया गया है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जब इन सब के यूआरएल को बैन कर दिया गया, ओके, तो बाद में काफी इसके ऊपर हल्ला भी मचा है अपने पूरे देश के लोगों ने कि आप सारे के सारे जो वेबसाइट थे उसको बैन नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम जो बैन कर रहे हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन कर रहे हैं, बाकी सब बैन नहीं कर रहे हैं। जो सबके ऊपर बात थी उसको बैन करने को उसको क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को वापस से अपना फैसला लेना पड़ा और उसके ऊपर जो बैन था वो लिफ्ट कर दिया, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था, हैवी पब्लिक प्रेशर टू अनब्लॉक द पॉर्न साइट्स। तो सारी गवर्नमेंट तो चाह रही थी हम सारी की सारी करते हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बैन किया गया जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेवलप हो चुका था। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वापस से जब ये चीज हुई तो अभी रिलायंस जियो ने क्या किया, कई सारी ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो अडल्ट या पॉर्न वेबसाइट्स हैं उन सब के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है। जैसे ये ब्लॉक किया वैसे ही वापस जो अपने न्यूज़पेपर है और जगह पे इसको कवरेज दिया गया और इसके ऊपर जो बातचीत है वापस से हो गई। तो देखिए लोगों ने क्या किया, आर्टिकल 21 के बारे में भी बोला गवर्नमेंट को, जब मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर हुआ, अब इस हैवी प्रेशर के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट को लोगों ने यह भी बोल दिया कि भाई राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, हम रूम में क्या कर रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अडल्ट है तो फिर उसको समझना चाहिए, ऐसे कर गवर्नमेंट को वापस से बैक स्टेप करना पड़ा। रिलायंस जियो ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और ब्लॉक कर दिया सारा एक्सेस पॉन एडल्ट का, पॉन साइट्स का उसके नेटवर्क के ऊपर। और जैसे ही जियो ने ये बात गवर्नमेंट को भी बोली कि अगर मैं बैन कर रहा हूं अगर आपके इस एम को, तो लोग क्या करेंगे, जियो से क्या करेंगे, वोडाफोन एयरटेल वहां पे चले जाएंगे और हमारे सब्सक्रिप्शन टूट जाएंगे। तो आप बाकी सभी कंपनी को भी ऑर्डर करो कि वो सब भी इसको बैन करें जल्दी, अदरवाइज हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इस चीज को लेकर। तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल ये सब भी अब एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से ब्लॉक किया जा सके ताकि जो जियो के कस्टमर है वो यहाँ पे ज्यादा डाइवर्ट ना हो और पूरे देश के अंदर एक सिंपल तरीके से एक मेजॉरिटी जो हो सके। हालांकि कई सारे ऐसे और भी ब्राउजर्स हैं जिसके ऊपर जाके आप ये सब रिलायंस जियो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ओके, यूसी ब्राउजर और बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये भी बोला गया कि सारे के सारे जितने भी अपने इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो ये प्रोवाइडर्स हैं ये सब लोग क्या करें, मिलके जो इनके नेटवर्क को लेकर ये सब को बैन करें। तो जियो ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है आपको एयरटेल, वोडाफोन यहाँ पे भी देखने को मिल जाए। अब देखिए इसको बैन किया क्यों गया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि 800 पॉन वेबसाइट से जियो ने बैन कर दी है और एयरटेल, वोडाफोन ये सब भी इसको जल्दी ही बैन करने वाले हैं, क्योंकि वरना क्या होगा, लोग रिलायंस जियो से क्या होगा, एयरटेल और बाकी जगह पे चले जाएंगे, है ना। अब देखिए बेसिकली अपने इंडिया के अगर मैं सिनेरियो आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर जो है ना वो पॉन जो है वो इलीगल नहीं है, ये लीगल है। पॉन देखना जो है ना, ओके, वो लीगल है, लेकिन इसका कॉन्टेंट बिल्डअप करना वो इलीगल है, समझ गए। तो पब्लिशिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट इज ऑफेंस इन इंडिया बट व्यूइंग इट इज नॉट। तो सिंपल सी बात है, कोई इसको पब्लिश नहीं कर सकता लेकिन जो देखना है वो इंडिया के अंदर अभी भी लीगल है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया आर्टिकल 21 के अंदर जो है राइट टू फ्रीडम जो वाली बात हम करते हैं, प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी की जो हम बात करते हैं उसके अंदर यही है। आर्टिकल 377 भी इसी बिहाफ पे इसको राइट माना गया है और उसी का एक पार्ट बनता है ये वाला भी, समझ गए। अब ये बैन क्यों किया गया है ये भी देख सकते हैं, कई सारे केस स्टडी करी गई यूके, यूएस,
और चाइना के अंदर जिसके अंदर ये बोला गया कि पॉर्न वीडियोस से क्या होता है, इन वीडियोस का है ना डायरेक्टली जितने पॉर्न वेबसाइट्स बढ़ेगी, पॉर्न कंटेंट बढ़ेगा, क्राइम रेट उतना ही बढ़ेगा अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट ये जो रेप केसेस हैं और ये सब। ठीक है, अब जैसे कि इसके फेवर में अगर मैं बात बोलूं आपके, तो एक केस था टेड बंडी का, टेड बंडी जो केस है इसकी स्टडी करेगा। ये कौन था, एक यूएस के अंदर 70s 80s का एक बहुत ही सीरियल किलर किडनैपर रेपिस्ट पर्सन था जिसने 30 से ज्यादा वुमेन के साथ में रेप किया और उनके बाद में उनका मर्डर किया। 30 तो बस एक डेटा है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। ठीक है, बंटी के ऊपर, टेड बंटी के ऊपर मूवी बनी हुई है, कई सारी मूवीज बनी हुई है हॉलीवुड। तो इसकी केस स्टडी करेगी, जब इसको पकड़ा गया था, इसको सजाए मौत दी गई इसको, तब इसने खुद ने कन्फेस किया था कि जब मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं तो काफी ज्यादा मुझे उससे जो वायलेंस है वो क्रिएट होती है और उसी की वजह से मैंने यहाँ क्या किया है, ये सारे मर्डर करे। जब इसके अलावा और भी जो कई सारे लोग थे जिनको पकड़ा गया था, जेल के अंदर डाला गया था, जब उनकी भी स्टडी करी गई तो बहुत जगह पे ये चीज सामने आई कि जो क्राइम है, ठीक है, वो क्या होता है, इनसे ज्यादा बढ़ता है, ऐसा केस स्टडी में कहा गया। अगर मैं इसके अगेंस्ट बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके अगेंस्ट बात करूं तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स, अगर आप, ठीक है, अभी तो मैंने इसके फेवर में बात करी है, ये तो था इसका फेवर में कि इसको बैन करने के पीछे राइट रीजन क्या है। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं तो कई सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई सारी ऐसी रिसर्च और भी है गूगल के ऊपर जहां पे ये बोला जाता है कि क्राइम जो है ना वो इन्वर्सली है किसके, पॉर्न के, यानी कि पॉर्न बढ़ेगा तो क्राइम घटेगा। ओके, ऐसा यूक्रेन हो गया, यूक्रेन में जब बैन था तब उस टाइम पे ज्यादा था, ठीक है, वहां पे क्राइम वुमेन के खिलाफ, और जब उसको लीगल कर दिया गया तो वहां पे क्राइम घट गया, ऐसा बोला जाता है। मतलब रियलिटी तो पता नहीं क्या है, लेकिन देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया दोस्तों 57 बिलियन डॉलर की यह इंडस्ट्री है, तो इसको फेवर में करने के लिए कई सारे ब्लॉग, कई सारे रिसर्च इसके फेवर के अंदर भी गूगल के ऊपर दिखा रखी है। ओके, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप कोई भी वायलेंस चीज देखते हो या फिर कुछ भी आप ऐसा देखते हो जिससे आपकी आपका जो नेचुरल फिनोमिना होता है बॉडी का, अगर वो चेंज हो रहा है इन अननेचुरल तरीके से, अननेचुरल तरीके से हो रहा है, तो वो आपको कभी फेवर नहीं करेगा, वो अपोजिट ही डायरेक्शन में लेके जाएगा, पहली बात तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिसर्च के तौर पर कई जगह पे ये भी बोल दिया गया कि क्राइम, अब देखिए कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जैसे कि मूवीज होती है उसके अंदर मर्डर दिखाते हैं, तो क्या लोग मर्डर देख के मर्डर करते हैं क्या रियल के अंदर? जब लोग मर्डर देख के मर्डर नहीं करते हैं तो क्या लोग पॉर्न देख के ऐसे क्राइम करेंगे? तो ऐसे भी कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो कि लोगों के द्वारा दिए गए। ओके, तो ये दोनों बातें जो कि मैंने आपको इसके फेवर में बताई, जो कि लोगों के द्वारा, दुनिया के द्वारा, कई सारे कंपनीज के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, एक तो क्राइम वाले कई सारे ब्लॉग देखोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि है ना इनवर्सली वाइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी जगह पे मूवीज वाला लॉजिक दिया गया कि मूवीज के अंदर आप वायलेंस देखते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने देखा तो क्या आपने रोड पे मर्डर कर दिया क्या? नहीं करे ना। तो वैसे ही जब वीडियो देखने पे कोई लोग जो है वो रियल के अंदर भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इसके अगर मैं फेवर की बात करूं तो देखिए यूएसए में कई सारे स्टडीज करी गई, यूके में, चाइना में, पाकिस्तान में, हर जगह पे इसके ऊपर बैन है, और इंडिया के अंदर भी जो स्ट्रिक्ट एक्शन है जो कि लिए जा चुके हैं। ओके, एटलीस्ट जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी उसके अगेंस्ट तो लिए ही जा चुके हैं। तो मेरा कुल मिला के मोटिव ये था दोस्तों कि आपको ये पूरी चीजें समझाना कि इसको बैन क्यों किया गया है, इसके फेवर में कौन सी चीजें, इसके अपोज में कौन सी चीजें, कौन से पॉलिटी के, कौन से आर्टिकल के तहत इसको बैन किया गया है, और अगेंस्ट कौन से आर्टिकल जाते हैं जिसके तहत इसको फेवर किया गया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा काफी चीजें, काफी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि इसको अब बैन क्यों किया गया है। ठीक है, अब कई सारे लोगों के अपने अपने यहाँ पे व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई बोल रहा है सही है, कोई बोल रहा है गलत है। ठीक है, तो ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है, लोग क्या इसके साथ में बोल रहे हैं, क्या इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे आज का टॉपिक, जितना हो सके शेयर करिएगा दोस्तों ताकि देश में जितने स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में फेवर, इनके बारे में जो चीजें हैं ना वो जान सके कि इसके फेवर में क्या है, इसके अपोजिशन के अंदर क्या है, और रियल जो चीज है वो लोगों के सामने आ सके कि क्यों बैन किया गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, जितना हो सके शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरीके से पढ़ते रहे, और अगर कोई भी करंट के अंदर कोई टॉपिक होता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए जरूर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपका जो लेवल है इंटेलिजेंसी का वो भी इंक्रीज हो सके और आपको नॉलेज भी काफी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय।